कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, आपका परिचय उनसे करा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से संजय निरुपम, हमारे साथ गौहर रजा साहब वैज्ञानिक यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में अमिताभ पांडे जी भी हमारे साथ चर्चा के लिए शामिल होंगे। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, जो सवाल हम उठा रहे हैं वो बड़ा सीधा सा सवाल है, और वो ये है कि वैज्ञानिकों को सारा का सारा श्रेय देना चाहिए ऐसे वक्त पर। क्या राजनीति हो रही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रेय ले रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में श्रेय वैज्ञानिकों को ही दिया है। यह तो जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से वक्तव्य आया तो उसमें राजनीतिक एंगल आया है। आपने बताइए, प्रधानमंत्री ने कहीं स्वयं को या पार्टी को या सरकार को इसका श्रेय देने वाली कोई बात प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी रूप में कही है? नहीं, उन्होंने तो कहा नहीं, लेकिन शुरुआत कहां लेकिन से? लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी ना सुधांशु जी, जैसे आज इसरो चेयरमैन को ने कुछ नहीं कहा, बोलने दिया नहीं दिया, उसमें मैं नहीं जाना चाहती हूं, लेकिन आखिर आज के तो हीरो वो थे, तो मंच तो लूट गए मोदी जी। देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, यह सत्य है कि आज की जो सफलता है वो हमारे जो वैज्ञानिक है उनकी वर्षों की तपस्या का परिणाम है। इससे पूर्व भी हमने जो सफलताएं प्राप्त की, अग्नि का प्रक्षेपण हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्राप्त करना हो, पोकरण के विस्फोट हो, सब वैज्ञानिकों की प्रतिभा और परिश्रम और तपश्चर्या के प्रतीक थे। परंतु यह भी सत्य है कि गंगा आती तो भागीरथ की तपस्या से है, पर शंकर जैसा कोई चाहिए जो सारे झंझावात को झेलने को तैयार हो, जैसे हमारी इसी सरकार में नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है कि 1998 में भी हमने आकर 60 दिन के अंदर विस्फोट किया था। क्यों नहीं नरसिम्हा राव की सरकार कर पाई थी? और हम एक और बात याद दिलाना चाहते हैं देश की जनता को कि 1966 में जनसंघ ने अपने रिजोल्यूशन में लिखा था कि यदि हमारी कभी भी केंद्र में सरकार बनी तो हम आणविक विस्फोट करेंगे। 32 साल बाद सरकार बनी, 62 दिन के अंदर करके दिखाया। तो एक कमिटमेंट, एक कन्विक्शन है, उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। कांग्रेस के मित्र नहीं है, जब वो आएंगे तो मैं उनसे भी कुछ प्रश्न पूछूंगा। वैज्ञानिकों ने अभूतपूर्व क्षमता दिखाई है, मगर अब आप यही देखिए, हमारी सरकार ने कहा कि हम डिफेंस प्रोडक्शन शुरू करेंगे, हमारे वैज्ञानिक मंगल तक यान भेज सकते हैं, तो क्या रिवॉल्वर नहीं बन सकती इस देश में? राइफल नहीं बन सकती इस देश में? तोपे नहीं बन सकती इस देश में? सिर्फ इसलिए कि वो डिफेंस में आती रहेंगी और बीच में मिडिलमैन पैसा लेते रहेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं एक दृष्टि भी है जो सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय दृष्टि है, उसका भी सम्मान करने में कोई बुराई नहीं है। चलिए ठीक है, संजय निरुपम जी जुड़ गए हैं और उन्होंने आपकी बात भी सुन ली है। संजय निरुपम जी, वो कह रहे हैं कि कोई श्रेय प्रधानमंत्री ने सीधे नहीं लिया है, और इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि रिस्क लेने, जो चंद्रयान के वक्त आज मोदी जी ने भी कहा कि वाजपेयी जी ने जो रिस्क लेने से आप लोग घबराते रहे, इसीलिए कुछ ना कर पाए, अब सब कुछ हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, आज जो मंगलयान को कामयाबी मिली है, निश्चित तौर पर ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही मतलब आनंद होता है, और इसमें किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी गवर्नमेंट को उपलब्धि करके इसे नहीं देखा जाना चाहिए। हमारे देश के जो महान वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिकों का चमत्कार है ये। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना और भाषण देना, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक भावना छुपी रहती है कि पूरे इस इवेंट का एक मेन हीरो बना जाए और इसका थोड़ा सा श्रेय अपनी तरफ ले लिया जाए, कहीं ना कहीं ये भाव दिखता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कोई बात नहीं की, हमने सुना उनका पूरा भाषण, लेकिन प्रधानमंत्री जी को याद रखना चाहिए कि ये पूरे मंगलयान की जो परिकल्पना थी ये हमारे जमाने में शुरू हुआ, और उसके बाद 2013 के दिसंबर महीने में इसको लॉन्च किया गया, और पूरा श्रेय 450 करोड़ रुपए का जो खर्चा करना है, ये है वो है, ये सारा किसने किया? हमारे जमाने में हुआ। तो एक आवाज से नहीं हो रहा है, ये नेहरू जी के जमाने से हो रहा है। नेहरू जी के जमाने से अंतरिक्ष क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए, बेहतर से बेहतर काम होना चाहिए। तो क्रेडिट कांग्रेस को, हमारे जमाने में चंद्रमा के ऊपर एक तिरंगा झंडा लहराया गया, हमारे जमाने में ये मंगलयान की कल्पना हुई, हमारे ही जमाने में कंप्यूटर को ईजाद किया गया, और उस कंप्यूटर को जब हिंदुस्तान में लाने का विचार आया था तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, जब वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ध्यान देते थे, हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर ध्यान दिया, और उसका नतीजा आपके सामने। तो कांग्रेस को श्रेय दें, ये कह रहे हैं आप? नहीं, श्रेय पार्टी को नहीं मिलना चाहिए, मेरा साफ साफ कहना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को वैज्ञानिक उपलब्धियों का श्रेय नहीं दिया जा सकता। ये हमारे महान वैज्ञानिकों का चमत्कार है, कमाल है, और सारा श्रेय उन वैज्ञानिकों को दिया जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह साहब क्या कह रहे हैं फिर संजय जी?
दिग्विजय सिंह साहब ने जो रिएक्ट जो रिएक्ट किया है वो नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से इवेंट में घुस करके श्रेय लेने की एक नाजायज कोशिश कर रहे हैं उसकी वजह से एक प्रतिक्रिया आई है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भी इस तरह के एक उपस्थिति दर्ज करा करके एक सूर्य लेके जाने की जो एक स्थिति होती है ना उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री हमेशा ऐसे मौकों की तलाश करते रहते हैं जिसमें जाकर धीरे से खड़े होकर के उसका सूर्य ले लिया जाए। सुधांशु जी जवाब दीजिए, सवाल वही है, पहुंच जाते हैं छा जाते हैं मोदी। संजय जी ने जो बोला उसकी भावना का मैं सम्मान करता हूं, मगर बहुत सी ऐसी पुरानी चीजें हैं, क्योंकि संजय जी मूलतः कांग्रेसी नहीं हैं, इसलिए उनको बहुत सारी पुरानी चीजें स्मरण नहीं है। मैं अभी से याद दिलाता हूं, न्यूक्लियर डील थी, जब न्यूक्लियर डील पे भाजपा को घेरना था तो उस समय तो कांग्रेस ने कहा कि इसकी परिकल्पना तो अटल जी ने की थी। जब सदन के पटल पर मनमोहन सिंह जी बोल रहे थे तो श्रेय तो छोड़ दीजिए, बीजेपी द्वारा रेज किए गए कंसर्न्स को एड्रेस तक नहीं किया था, तब कम्युनिस्टों का भरोसा था। राजनीति देखिए आपने टेक्नोलॉजी में कैसी की, और जब आपको लगा कि उन्होंने साथ नहीं दिया तब आप भाजपा के ऊपर दोष मंडे लगे। मैंने 1998 और 96 का उदाहरण दिया। अब इन्होंने कहा कि मोदी जी ने वहां जाकर छाने का प्रयास क्यों किया। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी के टाइम में अग्नि प्रथम का प्रक्षेपण हुआ था, पूरे देश में सीधा प्रसारण किया गया था, राजीव गांधी जी वहां उपस्थित थे और उन्होंने एक दिन के राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की थी। और उसके बाद 1989 के चुनाव प्रचार में जो ये प्रचार हुआ था उसमें उसी रॉकेट को छोड़ते हुए दिखाया जाता था और गाना बजता था, क्या कुछ है कर दिखाना सपनों को सच बनाना। बताइए यूज किया था कि नहीं आपने उसमें राजनीति में, और आज आप हमको ये बात दे रहे हैं। हमने तो हमारे प्रधानमंत्री ने कतई नहीं प्रयोग किया और शुद्ध श्रेय देश के वैज्ञानिकों को दिया है। इसलिए कांग्रेस अपने अतीत में झांके, श्रीमती इंदिरा गांधी ने आर्यभट्ट छोड़ने से जो कि रूस के मदद से छोड़ा गया था वहां से श्रेय लेने से लेके, मैंने 1989 के राजीव गांधी जी का बताया, नरसिम्हा राव जी कर नहीं पाए विस्फोट, हमने आने के साथ किया, न्यूक्लियर डील का लेटेस्ट उदाहरण बता दिया मैंने। ठीक है, एक ब्रेक पर हमें जाना है, एक ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले संजय जी आपका रिएक्शन लूंगी। गौर रजा साहब एक हाँ या ना मैं आपसे मैं जवाब जाना चाह रही थी, आज श्रेय किसको जाता दिखा आपको, राजनेताओं को, प्रधानमंत्री को या फिर वैज्ञानिक को? देश के उन लोगों को जिन्होंने साइंस के अंदर आस्था बनाई। जी जी जी। देश की उन नस्लों को ये तो हो गई बात कि हम श्रेय किसे देना चाहिए, लेकिन आज जाता किसको दिखा श्रेय, नेता को या साइंटिस्ट को? मुझे तो ये लगा कि हमारे देश को गया है श्रेय। चलिए ठीक है, इसी के साथ और इस देश ने एक महान काम कर ठीक है सीधे रुक करते हैं। सबसे पहले संजय जी मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात पूरी कर लें और जवाब जरूर दे दें, क्योंकि उनका ये कहना है कि श्रेय लेने की तो ये परंपरा रही है देश में, करते वैज्ञानिक है, नाम देश का होता है लेकिन आगे राजनेता ही आते हैं, राजीव गांधी का भी उन्होंने उदाहरण दिया। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि अग्नि मिसाइल जब छोड़ा गया था तब राजीव जी वहां देखो और उन्होंने क्या बोला था। राजीव जी कहे होंगे अजय प्रधानमंत्री अजय जाना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस समय उन्होंने क्या बोला, कैसे क्या श्रेय लेने की कोई कोशिश की, अब इतना ऐतिहासिक संदर्भ की जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक अपना चरित्र उसको समझने की कोशिश करिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक दृष्टिकोण दिया कि देश को आगे लेके जाना है तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे अछूते क्षेत्र हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और जब कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए, इस प्रकार की नीतियां बनाई, तो उसका सबसे पहले अगर किसी ने विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी ने ही विरोध किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद मोदी जी दे रहे हैं जब हम लोग न्यूक्लियर डील कर रहे थे अमेरिका के साथ, इस भारतीय जनता पार्टी ने कितना उत्पात मचाया था। और अभी जब नरेंद्र मोदी जी जापान गए थे तो वो जो न्यूक्लियर डील से जुड़ा हुआ एक जो समझौता था, एक संधि थी, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए, उसके ऊपर सिग्नेचर करने के लिए तड़प कर रह गए, जापान ने सिग्नेचर नहीं किया उनके साथ उन पर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी देश को आगे ले जाने के लिए एक विजन देती है, दृष्टिकोण देती है, और उस दृष्टिकोण को प्रारंभ में ये स्वीकार नहीं करते और बाद में उसी पर फॉलो करते हैं। जहां तक परमाणु परीक्षण की बात है, परमाणु परीक्षण में भी कांग्रेस ने और कांग्रेस की सरकार ने ही एक अग्रणी भूमिका निभाई थी, और उसके बाद ये नरसिम्हा राव को याद करते बाद में वाजपेयी जी की याद दिला देते। ठीक है। सबसे पहले उस जमाने में जब भारत एक बहुत कमजोर देश माना जाता था अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, तब अगर किसी ने इस प्रकार का साहस दिखाया था तो उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिखाया था, और उसको कहीं ना कहीं आपने फॉलो किया। अच्छी बात है, फॉलो करने में कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, लेकिन जो यही सवाल सुधांशु जी से पूछ लेते हैं, जल्दी से सुधांशु जी इसका जवाब दे दीजिए। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपके 100 दिनों तक सरकार में रहने से, आप खुद कहते हैं इतने दिनों में क्या हो जाएगा, मनमोहन सिंह को जरा भी श्रेय दिया नहीं, दिया नाम तक नहीं लिया, ठीक था? तो हो नहीं सकता है कि आपके 100 दिनों तक सरकार में रहने से आप खुद कहते हैं इतने दिनों में क्या हो जाएगा, मनमोहन सिंह
देखिए कांग्रेस के इस बयान में एक विरोधाभास है। पहली बात, हमने स्पष्ट किया कि हमने अपनी तरफ से कभी श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया। जब आप किसी राजनीतिक सरकार को श्रेय नहीं देना चाहते हैं तो आप अपना श्रेय क्यों लेना चाहते हैं? यह डायलेक्टिक लॉजिक नहीं है, यह द्वंद्वात्मक तर्क नहीं है कि यदि मोदी जी की सरकार में, हम साफ कह रहे हैं कोई ये 100 दिन का काम नहीं था, मगर साहब उन्होंने वो दिखाई पड़ गए और प्रकारांतर से श्रेय उनको चला गया, इसलिए मनमोहन सिंह जी का नाम लेना चाहिए था। भाई जब किसी नेता का नाम नहीं ले रहे हैं, हम सरकार को श्रेय नहीं दे रहे हैं, तो आप क्यों ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं? आपकी यह अपेक्षा ही गलत है। नहीं, वाजपेयी जी का तो जिक्र किया था उन्होंने और चंद्रयान का भी जिक्र किया था कि तब रिस्क टेकिंग फैक्टर था। आप देखिए मोदी जी ने जो जिक्र किया है, तो मैं एक बात बताऊं, मोदी जी ने सिर्फ वाजपेयी जी का जिक्र नहीं किया है, मोदी जी ने शून्य का जिक्र किया है, आर्यभट्ट का जिक्र किया है, भारत की ऋषि परंपरा का जिक्र किया है। तो मोदी जी ने तो इतना बड़ा फलक खींचा है भारत की ज्ञान की परंपरा से कि उसमें तो हम आज की सरकार और आज की व्यवस्था एक छोटा सा अंग दिखता है, क्योंकि हमारी सोच विराट है। इनकी सोच सरकार और ये 5 साल की सोच है, हमारी सोच सिविलाइजेशनल है, इसलिए मोदी जी के सेंटेंसेस। चलिए ठीक है सुधांशु जी, आपकी विराट सोच पर वैज्ञानिकों की क्या राय है इस हिस्से में जब हम लौटेंगे तो उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि दो वैज्ञानिक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद।